21 जून साल का सबसे लंबा दिन था आज, और इस लंबे तरीन दिन को कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया। ये क्लिफ्टन में आंटी पार्क है, और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सारे लोग इसमें बहुत यंग नहीं हैं। ये योगी सुबह सुबह 6:30 बजे आ जाते हैं और बिल्कुल शुरू हो जाते हैं, अपने मैट बिछाते हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और वो योगा के सारे आसनास और पोज और सब कुछ जो है वो उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं। कुछ दादा अब्बा नाना अब्बा अपने साथ अपने घर में छोटे छोटे बच्चे जो उस वक्त जाग रहे होते हैं उनको भी उठा के ले आते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मैंने देखे जिनके साथ फीडर भी था, और वो अपने ग्रैंडफादर को कॉपी भी कर रहे थे और साथ में अपना नाश्ता भी कर रहे थे, दूध पी रहे थे। ये योगा जो है ये कोई इन लोगों का क्लब है, ये योगीज जो है इनका, और इसका नाम द वंडरफुल क्लब है। ये कोई 10-11 साल पहले वजूद में आया था, और ये लोग जो है हर दिन सुबह सुबह मिलते हैं और इस तरह से ये योगा जो है उसकी प्रैक्टिस में लग जाते हैं और फिट रहते हैं और खुश भी रहते हैं। ये देखें ये दादा अबू कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितनी अच्छी बात है ना इस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, और वो भी इस उम्र में। योगा एक बहुत अच्छा आर्ट है, आपकी बॉडी में आपके जो डिफरेंट जॉइंट्स हैं उन पर स्ट्रेस भी नहीं आती और आप जो हैं बहुत अच्छी तरह फिट रह सकते हैं। तकरीबन कोई 1 या 1.5 घंटे के बाद ये लोग इतने खुश होते हैं और इतना लाइट फील करते हैं कि फिर इकट्ठा होके नाश्ता भी करते हैं जो ये लोग लेकर आए होते हैं। और ये साहब जो हैं जिनका नाम परवेज़ रहीम है, ये तो खड़े होके पुराने प्री पार्टीशन डेज के गाने भी गाते हैं और सबको बहुत ज़्यादा एंटरटेन भी करते हैं। कैसा लगा आपको ये हमारा इस दफ़ा का वीडियो? चाहे स्टिल्स हैं मगर तस्वीरें हैं, और बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें हैं। मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाया था, अगली दफ़ा सही।